अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा मेरा रक्षाबंधन। शिवा, शिवा, रसाल, रसाल उठ, उठ, शिवा कहीं चला गया है? मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया रसाल, शिवा नहीं है, कहाँ गया होगा? मैं बर्बाद हो गई थी रसाल, मैं बर्बाद हो गई। जब जीजी सा को ये सब पता चलेगा तो जीजी के कालजे पे कैसी छुरियां चलेगी? आपको दिक्कत देने के लिए माफी चाहती हूँ, पर कल रात वाला हादसा सोच के मन बहुत बेचैन है। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाएंगे? बस थोड़ी देर के लिए, हिम्मत बढ़ जाएगी मेरी। कौन है, किसका मैसेज है इतनी सुबह सुबह? वो सुजानगढ़ वाले सिंह साहब का है। इंतजार में हूँ आपके, जवाब दीजिए ना जीजा सा। जीजा सा, घबराहट के मारे पसीने पसीने हुए पड़ी हूँ, जो आप ना आए तो मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी। शिवा भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा करने से आपकी जान खतरे में पड़ सकती है, इससे तो अच्छा है कि सड़क का निर्माण ही ना हो। आपकी जान के बदले नहीं चाहिए हमें ये पक्की सड़क। मैंने कहा ना कि मैं इन बातों में विश्वास ना रखता। मैंने अपने बापू सा से एक वादा किया था कि चाहे जो कीमत चुकानी पड़े मैं बापू सा का यो सपना पूरा करके दिखाऊंगा। भाइयों, हमारे बापू सा का यो सपना आप सबके सहयोग के बिना कभी पूरा ना होगा। मुझे पता है भाई साहब कहाँ गए होंगे, आइए मेरे साथ। साल क्या हुआ, सब ठीक है ना? कनक चिल्लाई क्यों, तुम ठीक हो? ये शिवा कहाँ है? हमारी आंख लग गई थी, जब उठे तो देखा भाई साहब यहाँ ना थे। हमें लगता है जहाँ रोड बन रही है वो वहीं गए होंगे, उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। चलिए भाभी साहब। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ बस। ये बात तुरंत से तुरंत भाई जी को बतानी होगी। यो सब के तमाशा है वृंदा। जीजो सा, बहुत गलत हो गया जीजो सा। ये कर ली। देख, जो भी हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जा। ये चूक से ज्यादा और कुछ ना था, तो भूल जाए इसे। भूल जाऊं जीजू साहब? ये आपके लिए छोटी सी चूक होगी, लेकिन इस घटना ने हमारे मन पे, हमारे शरीर पे, यहाँ तक कि हमारी आत्मा पर छाप छोड़ी। कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले जीजू साहब, लेकिन मैं ना भूल सकूं। बस हमारी एक विनती है आपसे,
थोड़ी देर मारा पास बैठ जाइए ताकि मारे दिल को सुकून आ जाए। जीजू साहब, वृंदा, थारी हालत मैं समझ सकू पर मैं अभी को नहीं आ सकू, और वैसे भी इंसान को अपने विचारों से खुद लड़कर जीतना होता है। तू भी कोशिश कर और भूल जाइए सब। जरा सोच के देखो, जो ये पक्की सड़क बन गई तो गांव के बच्चे स्कूल जल्दी पहुंचेंगे, किसान मंडी और शहर तक अपना सामान जल्दी पहुंचा पाएगा, महिलाएं बूढ़े बुजुर्ग सब इलाज के लिए बड़े अस्पताल भी जा पाएंगे। ये सड़क बनाना किसी यज्ञ से कमड़ा है, और कभी कभी यज्ञ करने में हाथ जल जाते हैं, इसका यो मतलब थोड़ी है कि यज्ञ करना ही छोड़ दें। जितनी शक्ति अंधविश्वास में है ना, उससे घनी ज्यादा ताकत विश्वास की होवे। विश्वास जगाओ भाइयों कि यो सड़क बनेगी और सबका भला होगा। विश्वास जगाओ। आख्या तो बंद कर लिए जीजू साहब आपने मारा लिए, आपको भी ना मता, लेकिन मैं इंतजार करूंगी आपका। रतन सा, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? वो सर दर्द हो रहा था तो सोचा गोली ले लूं, तो पानी लेने जा रहा था। रोज आपके सिराने जग भर के पानी रखा रहता है, वो आपको दिखाई ना दिया? वो बताया ना, दर्द से सर इतना भन्ना रहा था कि कुछ नजर ना आया। अरे तो मुझे जगा दिया होता, इतना दर्द झेलने की क्या जरूरत थी। चलिए आइए मेरे साथ, आइए अंदर चलिए। मैं शिवा भाई के साथ हूँ, मैं शिवा भाई के साथ हूँ, मैं भी साथ हूँ। तो चलो भाइयों, काम शुरू करें। अरे पागल हो गए हो सबके सब, शिवा के साथ साथ अपनी भी जान जोखिम में डालोगे? अगर हम में से किसी को कुछ हो गया तो क्या हमारे परिवार की जिम्मेदारी ये लोग लेंगे? अरे ये बड़े लोग हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर हम में से किसी को कुछ हो गया तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। इससे अच्छा यही होगा कि शिवा के बहकावे में मत आओ, अपने परिवार के बारे में सोचो। आप होंगे राणा रतन सिंह? लेकिन हम भी आपकी पत्नी हैं। आपने तो लाख छिपाने की कोशिश की, लेकिन हमें खबर लग ही गई। के पता चल गया? वही जो आपने हमसे छिपाने की कोशिश की। शराब पी के आपने कार का एक्सीडेंट कर लिया ना, और मैं दादी सा को ऐसे ही छोड़ छाड़ कर यहाँ भागकर चली आई। लेकिन आप तो शराब शब्द से नफरत करते हैं, फिर आपने उसे हाथ में कैसे लगा ली? वो सुजानगढ़ के सिंह साहब के जन्मोत्सव में गलतफहमी में शराब कोल्ड ड्रिंक समझ के। अरे छोड़िए ना पूर्णिमा जी, हम क्या पहले से ही कम परेशान है जो आप और सुना रही हैं हमें? ये अच्छा है, शराब पीकर एक्सीडेंट करें और चोट लगवाएं, और चोट लग जाए तो सेवा हम ही से करवाएं, बहुत अच्छा। रुकिए, ये हमारे कमरे में क्या कर रही है? ये जरूर वृंदा का होगा।
अंधविश्वास यो है कि जो कोई भी सड़क का काम शुरू करवाए ना, जान भी उसी की जाती है, यानी कि जो होगा मन्ने होगा। और मैं अपनी और आप सबकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। काका, एक भला काम शुरू होने जा रहा है, होने दो। जब शिवा भैया अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो किस बात का डर? चलो भाइयों, काम शुरू करो, करो जो तुम लोगों के मन में हो। बाद में मुझे मत कहना कि समझाया नहीं था। शिवा भाई साहब, के हुआ? सुधरना नहीं है ना तुझे? के बतोगे? भाई साहब छोड़िए, चलिए आप। लाडो। नहीं चलिए। ये वृंदा की पायल हमारे कमरे में क्या कर रही है? वो वृंदा परसों रात को हमारा हालचाल पूछने अठे आई थी तो मैं अपने घाव पे मरहम लगा रहा था, मर हाथ पीछे तक नहीं पहुंच रहा था, तो उसने मने दवा लगाई और काढ़ा देके चली गई। शायद उसी समय गिर गई होगी यहाँ पे। कहने को तो वो हमारी बहन है, लेकिन उसकी हरकतें हमें कतई पसंद नहीं है। और वो इस कमरे में आती है तो हमारा खून जलता है, और उसके बाद भी आपने उसे इस कमरे में बुला लिया। कमाल करती हैं आप पूर्णिमा जी, कल रात को कोई था इस घर में? आप तो बिना बताए चली गई। जिस हालत में मैं यहाँ पर आया, उसने मेरे घाव धोए, मरहम पट्टी की और दवाई दी, तो इसके बदले में क्या भगा देता उसे इस कमरे से? अरे अरे सुनिए तो। ठीक ही तो कह रहे हैं, कभी कभी हम कुछ ज्यादा ही सोच जाते हैं। जी जी, अगर मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं, आपको हमारा यहाँ आना अच्छा ना लगे के? फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।